और आरोप वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है। पलामू जिले के पादरू प्रखंड में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे की जमीन बताते हुए अनुसूचित जाति के परिवारों के 50 घरों को न सिर्फ तोड़ दिया बल्कि उन गरीब लोगों को एक साथ ट्रैक्टर में बैठाकर जबरदस्ती गांव से बाहर कर दिया। आरोप यह है कि जिन लोगों ने किया वो दबंग किस्म के हैं और उस जमीन पर मदरसा खोलना चाहते हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि जिन जमीन से लोगों को हटाया गया वो जमीन मुस्लिमों की है। वहां पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पहाड़ के नजदीक मिट्टी काटकर झुग्गी झोपड़ी बनाई थी। आपकी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां जाकर लोगों से घटना की हकीकत जानने की कोशिश की। यहाँ पे खड़ा हूँ वो एक खाली मैदान नहीं, वो पत्थर नहीं, वो एक मलबा नहीं, वो दो दिन पहले यहाँ पे जो महादलित परिवार है उनके घर हुआ करते थे जिनको जबरदस्ती यहाँ से तोड़ा गया बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, और ये कहा गया कि ये जो जमीन है ये ईदगाह की जमीन है इसलिए यहाँ से हटाया जाएगा। बुलडोजर जेसीबी का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है और जबरदस्ती जो है उन परिवारों के घर को तोड़ा गया है, मंदिर को तोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में इस समय सिर्फ आपको मलबा दिखाई देगा जहाँ पे दो दिन पहले लोगों के घर हुआ करते थे। हमारे साथ बात करने के लिए नितेश जो कि हमारे लोकल जो है संवाददाता हैं पलामू के, जिनको पूरी घटना की जानकारी है वो हैं। नितेश आखिरकार क्या क्या हुआ था यहाँ पे घटना बताइए, कितने घर थे और कहाँ था प्रशासन, आखिरकार प्रशासन सो रहा था जब यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था? देखिए दो दिन पहले यहाँ देखा जाए तो 20-25 घर थे और 50 परिवार मुसहर जाति के रहते थे। लेकिन दो दिन पहले ऐसा किया गया कि इसको जमीनों दोष कर दिया, पूरी तरह जो मुसहर जाति के लोग थे उनको यहाँ से भगा दिया गया। और प्रशासन देखा जाए तो प्रशासन एक्टिव तब हुई जब मीडिया में खबर चली, उससे पहले देखा जाए तो कोई यहाँ पे नहीं था। ये लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, गुहार लगा रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जो अभी बोल रहे हैं वो कोई नहीं सुन रहा। जमीन को लेके क्या मामला था? जमीन को लेके मामला था कि मुस्लिम पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा है, जबकि इन लोग बोल रहे हैं कि मैं 20-30 साल से पहले से भी रहते, मेरे पूर्वज रहते आए हुए हैं, तो उन लोग अपना दावा कर रहे हैं। लेकिन जेसीबी कैसे आ जाती है पूरे इलाके में और जबरदस्ती कैसे घर तोड़ दिए जाते हैं यहाँ पे? ये देखिए एक तो सवाल बहुत बड़ा है कि जेसीबी कैसे आ जाती है। जो सुनने में आया, जो लोकल पर्सन यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि पूरी गाँव को पहले घेरा गया था, घेरने के बाद आप बाहरी जो भी थे पत्रकार थे और भी जो लोग थे उन लोगों का आवाजन बंद किया गया था। बंद करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। 20-25 साल से जब होश हुआ है हम तब से इन लोग के यहाँ पर देखते हैं। शुरू से आप देख रहे हैं, कोई अभी एक दो साल में नहीं बने ना मकान? बहुत पहले से सर। और यहाँ से करीब हमारा 2 किलोमीटर घर दूरी मकान पड़ेगा और हम इसी रास्ते से आते जाते हैं। इन्हों लोग के झुका झुपड़ी में इन लोग गुजर बसर अपना बाल बच्चों के साथ करता रहता था और किसी प्रकार से पहले कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन इन्होंने कौन कौन है इसमें कि उसके वो दबंग है इस इलाके के, कौन है आखिरकार इसमें? देखिए खास करके आपको मेरा जो अनुभव है कि यहाँ जो इस मुरमातू गांव जो है मुस्लिम समुदाय का अधिक संख्या है और हिंदू यहाँ कम है, इसके वजह से यहाँ मुसहर जाति जो है हिंदू में आते हैं और इन लोग के इधर देखिएगा तो कब्रिस्तान या क्या करबला है और इसके आमने सामने इन लोग रहते हैं। तो सारे लोग कम से कम 50 परिवार इसमें लोग रहते, उसी में गुजर बसर करते थे। और यहाँ के जो दबंग लोग हैं जो अपना यह जीएम लैंड है, खाता 44 प्लॉट 437 है, ईदगाह की जमीन, इस पे किसी ने नोटिफाई नहीं किया। यह ईदगाह की जमीन नहीं है और यह मदरसा का जमीन। प्रशासन जगी, शासन और प्रशासन दोनों यहाँ पहुंचे अपने परिवारों का। ये भी आरोप है कि शिवलिंग तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, उनके हाथ जोड़ते हैं। देखने वाली बात है, यहाँ देखिए तुलसी का पौधा वहाँ पड़ा हुआ है। बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन अनिल अरोड़ा से कहूंगा आप दिखाइए। सनातनी है कि सनातन धर्म में लोग ये किस तरह से यहाँ पे जो देखिए आप शिव जी का पूजा करते हैं, इनकी शिवलिंग की पूजा करते थे यहाँ पे जो है पूरा ये जो है तुलसी का पौधा एक मंदिर बना रखा। सनातन धर्म आस्था का केंद्र है, वो पत्थर को ही पूजते हैं और भगवान मानते हैं। तोड़ा गया बिना जी उसे भी, वो ये कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ते रह गए, हम हाथ जोड़ते रह गए। जेसीबी लगा करके तोड़ा गया, उसमें किसी चीज को बरगलाया नहीं गया कि इसको साइड किया जाए। पलामू से एक बेहद ही जो है गंभीर घटना सामने आई है, जिस प्रकार से जो महादलित यहाँ पे एक कम्युनिटी थी, उनका एक जो पूरी हाउसिंग थी, जो पूरे उनके घर थे, उनको इल्लीगल तौर पे जो है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा बुलडोजर से गिरा दिया गया और अब ये लोग सब जो है बेघर हो चुके हैं। यहाँ पे जो पुराना थाना की एक बिल्डिंग है यहाँ पे इनको रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ना इनके पास कपड़े बचे हैं, ना इनके पास घर बचा है और इनकी एक ही डिमांड है कि इन्हें वापस रखा जाए। किस प्रकार से इल्लीगल तरीके से ये सब कुछ हुआ, एक बुलडोजर का इस्तेमाल होता है जो कुछ दबंग लोग वहाँ आते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से, और इनको भगाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। सर क्या क्या हुआ था उस दिन, परसों की बात में क्या हुआ था? परसों क्या क्या हुआ था? परसों तो यही हुआ था सर कि हम लोग थाना प्रशासन लेके वहाँ फिर से गए झोपड़ी गाड़ने जहाँ से उजार दिया था। जब उजाड़ा था तब क्या हुआ था? तब आपको भगाया था, डराया था, क्या हुआ था? भगाने डराने के बाद तो सर हम उन लोग नहीं भागते तो हम लोग के जान से बलि बचे के काट देते मालिक। सर नहीं, हम लोग को मौका दिया, पूरा झांप लिया, हम लोग के मुतने की जगह नहीं, पेशाबू करने के लिए कहीं नहीं जाएगा। जब तीन जो फसल लगी है उसमें जब लुका करके आदमी भाग रहा है, बच्चा लोग जाने के लिए कजरू लिए, मैंने कोई की सोचना दे चल के हमको बचाने आए घेर लिया घेर लिया।